characteristics of learners at kindergarten uh, what characteristics uh, of kindergarten students have to learn morality and moral, moral but moral rules they should know about so absolutes means that they don't have any flexible model to follow that in some situations they can change uh, moral rules that uh, at the in the school they are truthful and at house they are uh, relax so they will sometimes speak the truth and sometimes they will not so parents and teachers they should not give them any relaxation uh, in moral rules and they should present the absolute absolutes that they should uh, give them the rules that you need to follow uh, at any cost because rule is rule so if you will hit the child then you will suffer

रिलैक्सेशन भी दे मेरा आ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है घर का माहौल इनफॉर्मल होता है उसमें बच्चों को आप रिलैक्स भी करते हैं लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं कि कभी बच्चा झूठ बोल रहा है कभी सच बोल रहा है कभी तो वो अनकाइंड है कभी काइंड है कभी फ्रेंडलीनेस है ठीक है मूड स्विंग्स आते हैं बच्चों में लेकिन उनके साथ जो आपके डिसिप्लिन है घर का उसको ख़राब नहीं होना चाहिए जैसे मैंने अभी बता रही हूँ आपको कि जैसे पेरेंट्स की जो एक रिस्पेक्ट है बड़ों की जो रिस्पेक्ट है छोटों के साथ जो काइंडनेस है वो नहीं चेंज होगी वो रूल्स नहीं चेंज होंगे चाहे आपके मूड के साथ जैसे भी प्रॉब्लम है इवन बच्चे जब पेरेंट्स से नाराज़ होते हैं तो तब भी वो रूडनेस का मुजाहरा करते हैं सो रूडनेस इज़ नाट अलाउड एट एनी कॉस्ट क्या ना हम ये जहाँ पर चाह रहे हैं एब्सोल्यूट से हमारी मुराद ये है उसके बाद हाउ मच फिज़िकल डैमेज वाज डन के चूंकि अब आपने गाड़ी को बड़ा नुकसान पहुँचाया आपने उस पर लाइन्स लगा दी यकीन कीजिए बच्चे पेरेंट्स के साथ जब नाराज़ होते हैं तो वो उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं चुपके से जाके जैसे गाड़ी की लाइन्स वाले मैंने कई के केसेस देखे हैं वो पेरेंट्स को डायरेक्टली रूडनेस नहीं दिखा रहे लेकिन जाके अपना गुस्सा ऐसे भी निकाल लेते हैं तो देखना ये चाहिए कि रीज़न पीछे क्या है मॉरलिटी सिखाने के लिए आपने डिक्टेटर नहीं बनना एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि आपने डिक्टेटर बनना है क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए एक तो आपका मॉडल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए दूसरा सिखाने के लिए छोटे छोटे इंसेंटिव्स रखिए आज एक अच्छा काम किया जैसे बचपन में हमें नमाज के लिए उठाना होता तो तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो मुझे कहते थे आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पिलो के नीचे एक जो है वो कॉइन पड़ा होगा या उसमें वो नोट पड़ा होगा ये एंजल्स रख जाते हैं जब आप सुबह नमाज के लिए उठते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हम रोज़ उठते थे और रोज़ हमारे पिलो के नीचे जो है कुछ ना कुछ पड़ा होता था तो मॉरेलीटी सिखाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे जब टोकन आप बच्चों के लिए रखते हैं वो बड़ी खुशी से मॉरेटी सीखते हैं वैल्यूज सीखते हैं नॉम सीखते हैं एथिक्स सीखते हैं अगर आप डंडे के ज़ोर से बच्चों को सिखाना चाहें बाय विद फोर्स तो वो आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी बच्चे कभी फॉलो करेंगे आपके सामने जब आप नहीं घर पे होंगे तो आपने कभी घरों के हाल देखे हैं जब पेरेंट्स घर पे ना हो तो घर में आके उनको क्या चीज़ देखने को मिलती है उसका वो उसके रिज़ल्ट इसीलिए ऐसा है क्योंकि आपने उनको इतने सख्त माहौल में रखा हुआ था डिक्टेटरशिप के साथ कि जैसे आप गए हैं वो इतने खुश हुए हैं और उन्होंने हर किस्म की मॉरल मॉरल रूल्स जो हैं वो उन्होंने तोड़े हैं तो होना ये चाहिए कि किसी भी पर्सनैलिटी में मॉरलिटी को डिवेलप करने के लिए उसके अंदर मॉरेटी से मोहब्बत आपने जो है वो डिवेलप करनी है यहाँ पे पनिशमेंट जो है इट्स नाट अलाउड कभी कोई बहुत जैसे बच्चे के साथ कोई उसने मसला किया है तो आप उसके साथ पहले कम्यूनिकेट करें कि उसने गलती की है अगर वो सॉरी कहता है तो ठीक है अदरवाइज पनिशमेंट का ये मतलब नहीं कि फिजिकली आप उसको पनिश करें आप उसके साथ थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते बच्चे तब भी फील करते हैं आप कोई उस पसंदीदा खाना उसका नहीं बना रहे तब भी बच्चे फील करते हैं लेकिन आपको हर सूरत में ये सोचना है कि वी आर अडल्ट चिल्ड्रन आर एमेचोर दे आर दे आर ऑब्जर्विंग यू आप बच्चा नहीं बन सकते आप बच्चे का अगर मूड खराब है उसने कुछ इस तरह का काम किया है तो अब आप भी उसी तरह का मूड खराब करेंगे तो फिर बच्चे बड़े टेंशन में चले जाते हैं तो सिखाने के लिए रूल्स जो हैं वो घर के आपको फॉलो करने हैं लेकिन उसके साथ इंसेंटिव रखना है और देयर ऑन परस्पेक्टिव बच्चों से पूछना है आप किस तरह से इसको फॉलो करना चाहते हैं चले आपसे पूछा जाता है आप मशवरा दीजिए ठीक है कुछ चीज़ें उसकी मान लें कुछ अपनी बता दें और किसी भी चीज़ के ऊपर रूल के ऊपर जो है जो ऐसा रूल जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करे उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए